एक दिन सैलेड खाकर आप पतले नहीं हो जाओगे, एक पुशअप करके आप फिट नहीं बन जाओगे, 100 रुपए बचा के आप अमीर नहीं बन जाओगे। लेकिन जब जब आप ऐसे छोटे छोटे चेंजेस लाते रहोगे अपनी लाइफ में, तब तब आप उस इंसान के लिए वोट दे रहे हो जो आप बनना चाहते हो। ये छोटी छोटी हैबिट्स रातों रात आपकी लाइफ नहीं बदल देगी, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स है वो धीरे धीरे कंपाउंड होते रहेंगे। एंड इवेंचुअली एक दिन ऐसा आएगा जब आपको एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आप किसी भी इंसान का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो उसकी करंट हैबिट्स देख के। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन अगर आप अपनी स्किल्स को रेगुलरली इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। शायद आपके जीन्स बहुत अच्छे हैं, आप नेचुरली ही एक फिट इंसान हो, लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ और फिटनेस पर ध्यान नहीं देंगे और एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, तो इवेंचुअली आगे जाके लॉन्ग टर्म में आपको इसके नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को जरूर मिलेंगे। इसीलिए टाइनी हैबिट्स एक्चुअली लीड्स टू बिग रिजल्ट्स। हम सब चाहते हैं कि काश कोई मैजिक हो जाए और रातों रात हमारे जो ड्रीम्स है वो पूरे हो जाए। चलिए अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा पॉसिबल है, आप रातों रात एकदम पतले हो जाते हो और अपने टारगेटेड वेट पे आ जाते हो, लेकिन आपकी जो हैबिट्स है वो अभी भी वही पुरानी वाली है। लेट्स से आपको 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाती है, लेकिन अभी भी आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स, आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट की नॉलेज वही पुरानी वाली है। लेट्स से आपके सोशल मीडिया पे 1 मिलियन फॉलोअर्स आ जाते हैं, लेकिन अभी भी आपकी जो कंटेंट स्ट्रेटजी है और जो कंसिस्टेंसी है वही पुरानी वाली है। तो क्या आपको लगता है कि आप इन पुरानी हैबिट से इस सक्सेस को सस्टेन कर पाएंगे? इसीलिए जब भी हम कोई गोल सेट करें तो सिर्फ उस गोल को अचीव करने के लिए नहीं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने के लिए हमें सेट करना चाहिए। हमें बस हमारे बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि हमें पैसों के बारे में कभी कोई फिक्र ना करनी पड़े, हमें जो चाहिए हम वो खरीद सके। नाउ आई नो ये सारी चीजें पैसों से ही पॉसिबल है। भले ही हम ये कहते हैं कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन मेक अस हैप्पी। लेकिन अगर हम हमारे हजारों लाखों रुपए भी नहीं संभाल पाते, तो क्या हम हमारे करोड़ों रुपए संभाल पाएंगे? इसीलिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की नॉलेज और एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर 500,000 रुपए में हम कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं तो उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हम पे जितना अगर लाखों रुपए दांव पर लगे हो और हमें गलत फाइनेंशियल डिसीजन ले ले तब लगता है। इसीलिए सिर्फ पैसे मैटर नहीं करता, अमीर इंसान का माइंडसेट होना जरूरी है, साइकोलॉजी को चेंज करना भी उतना ही जरूरी है, और ये सेम चीज लाइफ के हर एरिया में अप्लाई होती है। इसीलिए जब भी आप कोई एक्शन ले तो एक बार सोचिए और खुद से पूछिए कि आप किसे वोट दे रहे हैं, अपनी ड्रीम लाइफ को या फिर एक रिग्रेट वाली लाइफ को। ऑफ कोर्स जब आप एक सही हैबिट फॉलो कर रहे होते हो तो वो हमेशा इजी नहीं होता। जब आपके सामने डोनट और सैलेड पड़ा हो तो उसमें से सैलेड को चुनना मुश्किल है, नेटफ्लिक्स और वर्कआउट में से वर्कआउट को चुनना, इंस्टाग्राम पे रील्स देखना और अपने साइड हसल पे काम करने में से साइड हसल को चुनना मुश्किल जरूर है। लेकिन एक चीज समझिए कि हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है, और जब आप कोई मुश्किल काम अभी कर रहे हो तो आप उसकी कॉस्ट अभी पे कर रहे हो जिसका रिजल्ट और रिवॉर्ड जो है वो आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। सिमिलरली जब आप कोई बुरी आदत को चूज करते हो तो उस वक्त तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, आपको उसका रिवॉर्ड तभी मिल जाएगा, लेकिन उसकी जो कीमत है वो आपको लॉन्ग टर्म में चुकानी पड़ेगी। तो फैसला आपका है, आप अभी प्राइस पे करके फ्यूचर में उसके रिवॉर्ड्स पाना चाहते हो या फिर अभी रिवॉर्ड्स लेके फ्यूचर में उसकी प्राइस पे करना चाहते हो। आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हो, अपने प्रेजेंट को या अपने फ्यूचर को? आई नो बोलने और करने में फर्क होता है, इसीलिए लेट मी गिव यू अ ट्रिक जिससे आप अपने माइंड को ट्रिक कर सकते हो इन छोटी छोटी अच्छी आदतों को कंसिस्टेंटली फॉलो करने में, और वो है बाय मास्टरिंग द एंट्री पॉइंट्स एंड मेकिंग द टास्क 99% इजी। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, वॉचिंग नेटफ्लिक्स
वर्सेस गोइंग टू द जिम। अब यहाँ पे नेटफ्लिक्स देखने के लिए एंट्री पॉइंट बहुत इजी है, बस अपना रिमोट उठाइए और नेटफ्लिक्स को ओपन कर लीजिए, या फिर अपने फोन में ही आप एक टैप से नेटफ्लिक्स को ओपन करके अपनी फेवरेट सीरीज का एक घंटे का एपिसोड देख सकते हैं। ऊपर से ये सुपर इजी है, आराम से अपने सोफा में या बेड में लेटे लेटे आपको एंजॉय करना है। तो अब इस एक घंटे में नेटफ्लिक्स देखने के बजाय जिम जाना बहुत मुश्किल है, स्पेशली अगर आपका मन ना हुआ तो। सो यहाँ पे पहले हम एक एंट्री पॉइंट ढूंढेंगे और फिर इस टास्क को सुपर इजी बनाने की कोशिश करेंगे। सो आई विल टेल माई सेल्फ कि यार कैन आई जस्ट चेंज इन टू माई जिम क्लोथ्स। अब एक बार मैं जिम के लिए रेडी हो गई तो फिर मैं खुद को बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक एंट्री पॉइंट ढूंढ लिया है तो अब मैं थोड़ा सा और इसको पुश करूंगी कि कैन आई जस्ट वेयर माई स्पोर्ट्स शूज देन आई कैन वॉच द नेटफ्लिक्स। अब जब मैं जिम के लिए रेडी होके बैठी हूँ तो 99% पॉसिबिलिटी है कि मैं चली जाऊंगी जिम और एक घंटा में वर्कआउट करूंगी। लेकिन इन केस बाय चांस अगर बिल्कुल भी मन ना हुआ और बोला कि यार नहीं जाना, तो ऐसे में भी कोई बात नहीं है, एटलीस्ट आपने 1% प्रोग्रेस तो दिखाया है। यू कैन ट्राई अगेन टुमारो एंड मोस्ट प्रोबेबली कल तो आप जिम चले ही जाओगे। दूसरे दिन भी आप खुद को बोल सकते हो कि ठीक है सिर्फ 5 मिनट वॉक के लिए जा और वॉक करते करते भी मैं अपना फेवरेट नेटफ्लिक्स का शो देख सकती हूँ। अब ऐसा करने में 5 मिनट की जो वॉक है वो एक घंटे का एपिसोड देखते देखते कब एक घंटे की वॉक हो जाएगी आपको रियलाइज भी नहीं होगा। शायद ये भी सुनने में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन ट्रस्ट मी ऐसे जो डिसाइसिव मोमेंट्स है ना, ये दिन में 5 या 7 बार ही आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि पूरे दिन हर मोमेंट आपको टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो अगर आप दिन के ये 5 से 7 जो टफ मोमेंट्स है, जो एंट्री पॉइंट्स है, उनको संभाल लोगे तो आप अपने गोल को इजीली अचीव कर पाओगे। हम यूजुअली अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि ऐसे स्मॉल डेली एक्शन से हम हमारी लाइफ को कितना ही इम्प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि एक दिन जिम जाने के बाद भी एट द एंड ऑफ द डे हमारी बॉडी सेम ही दिखती है और एक डोनट खाने के बाद भी सेम ही दिखती है। लेकिन ये जो टाइनी हैबिट्स है इसको अगर हम कंसिस्टेंटली करते रहे देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका एक बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप रोज खुद को टॉर्चर करें इन हैबिट्स को फॉलो करने का, लेकिन मेक श्योर के गुड हैबिट्स का रेशियो जो है वो हमेशा बैड हैबिट्स के रेशियो से ज्यादा होना चाहिए। ऑलवेज रिमेम्बर हमारा जो दिमाग होता है ना वो बच्चों जैसा होता है, तो उसे थोड़ी थोड़ी लालच देकर रोज उससे थोड़ा थोड़ा काम करवाते रहना पड़ेगा। और हमेशा मेक श्योर कि आप किसी भी हैबिट को ना बोरिंग ना बनने दे। बोर्डम हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप 1 घंटे की वॉक करते हो तो 1-2 महीने बाद ना आप बोर होने लगेंगे। अब ऐसे में हमें इसको इंटरेस्टिंग रखने के लिए इसको थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाना है, लेकिन मुश्किल नहीं। तो ऐसे में आप 5 मिनट्स की वॉक के बाद 1-2 मिनट रनिंग या जॉगिंग कर सकते हैं। इससे आपका जो इंटरेस्ट है वो भी बना रहेगा और आप इजीली गिव अप भी नहीं करेंगे। और लास्ट में एक बात याद रखिए, कोई भी एफर्ट कभी वेस्ट नहीं जाता, वो कभी ना कभी काम आ ही जाता है। एंड दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।